हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद स्वाति। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी स्वीट लेके आई हूँ जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी, और इतनी इजी स्वीट है ये कि आप लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है तो आपका सूखा नारियल लेके उसे घर में भी ग्रेट करके बना सकते हैं। 1 कप लिया है मिल्क पाउडर, ये मिल्क वाइटनर नहीं है, मिल्क पाउडर है। 1/4 कप मैंने लिया है पाउडर्ड शुगर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। अब पहले हम इन सबको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, जिससे कि जो मैंने शुगर घर में ही पीसी है उसकी कोई गुठली इसमें ना आए। तो इसे पहले बढ़िया से आपस में सबको मिक्स कर देंगे। अब हमें इसका बनाना है डो। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप मिल्क। मिल्क बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना कोल्ड है ना हॉट है। आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं। मिल्क की क्वांटिटी इससे ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो डो एकदम गीला गीला बनेगा। इतने मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर की क्वांटिटी के लिए 1/4 कप मिल्क सफिशियंट है। तो पहले हम इसे डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, और ये धीरे धीरे करके ये बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में लगेगा कि ये डो बाइंड नहीं हो पाएगा, लेकिन आराम से इससे बाइंड हो जाएगा। तो पहले हम इसे मिक्स करके इसको डो फॉर्म में ले आते हैं, अच्छे से बाइंड कर लेते हैं। अभी अच्छे से बाइंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे डाली है टूटी फ्रूटी, क्योंकि मेरे पास घर में अभी यही अवेलेबल थी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं, बट मेरे पास टूटी फ्रूटी अवेलेबल थी इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी की जगह चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, उससे चॉकलेटी फ्लेवर की बर्फी बनके तैयार होगी। बट अगर चॉकलेट सिरप डालें तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा और चीनी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा, क्योंकि चॉकलेट सिरप ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। तो चलिए, बाइंड हो चुका है। अब मैंने यहाँ एक प्लेट लिया है, प्लेट को पहले हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो ग्रीसिंग के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, उसे प्लेट पर फैला दिया और वही देसी घी से अपने पाम्स को भी ग्रीस कर लिया, जिससे कि डो हाथ पे स्टिक ना हो। अब हम इसे बढ़िया से स्मूथ कर लेंगे। तो पहले मैंने इसे बॉल शेप कर लिया है। आप इस स्वीट को जिस भी शेप में बनाना चाहें आप उस शेप में बना सकते हैं। तो पहले मैंने हाथ में रोल करके बॉल शेप में बहुत अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में रख के बिल्कुल लंबा लंबा इसे मैं रोल करूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी यहाँ पे ट्राइंगल शेप की बर्फी। तो इसे पहले बढ़िया से स्मूथ करते जाते हैं, रोलिंग करते जाते हैं इसकी, और लंबा लंबा फैलाते जाते हैं। हमें इसे ज़्यादा प्रेशर देके नहीं करना है, नहीं तो बर्फी अंदर से बहुत टाइट हो जाएगी। देखिए, रोल करते करते मैं धीरे धीरे इसे प्रेस करती जा रही हूँ और लंबा लंबा इसे फैलाती जा रही हूँ, और बीच में जितने भी क्रैक्स आ रहे हैं उसको भी प्रेस करती जा रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल स्मूथ डो बन के रेडी हो जाए। अब हमें इसे ट्राइंगल शेप देना है, तो मैं साइड से भी प्रेस करती जा रही हूँ, और इस लॉन्ग रोल को मैं धीरे धीरे प्रेस करके ट्राइंगल का शेप देती जा रही हूँ। तीनों साइड से मैं इसे शार्पन करती जा रही हूँ, जिससे कि इसका आराम से ट्राइंगल शेप आ जाए। अब इसको प्रॉपर सेट करने के लिए मैंने यहाँ एक फॉइल पेपर लिया है, सिल्वर फॉइल आता है जिसमें रोटी वगैरह रैप करी जाती है, तो मैंने वो सिल्वर फॉइल पेपर लिया है, उसमें इस डो को रखा है और इसे अच्छे से मैं रैप कर दूंगी। इसे हमें टाइटली रैप करना है, लूज नहीं छोड़ना है। तो अच्छे से इसे बढ़िया से दबाते हुए हम लोग रैप कर देंगे इसे, और धीरे धीरे इसको शेप देते जाएंगे। आप चाहें तो इसे सर्कल शेप का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे पेड़े का शेप भी देके इस मिठाई को बना सकते हैं।
देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर से प्रेस करती जा रही हूँ, इसको साइड से शार्प करती जा रही हूँ, जिससे कि इसका बहुत ही बढ़िया ट्राइंगल शेप आ जाए। और साइड से इसे पैक कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा स्लैब पे डैप कर करके स्मूथ शेप देना है, देखिए इस तरह से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाए और थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो इसे कटिंग करने में भी आसानी रहेगी। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका फॉइल पेपर ओपन करते हैं और देखते हैं कितने बढ़िया से ये सेट हुई है। देखिए बहुत ही बढ़िया सेट होके तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, बट मैंने इसके डेकोरेशन के मार्केट में सिल्वर वर्क आता है ना, जो मिठाइयों पे लगा रहता है, जो आप स्वीट शॉप से स्वीट्स लेने जाते हैं तो उसके ऊपर लगा रहता है, तो मैंने वही सिल्वर पेपर से मिठाई को डेकोरेट किया है। आप चाहें तो इसे ना करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने सिल्वर पेपर लगा लिया, अब इसे कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट करूँगी, तो देखिएगा कितने आराम से मिठाई कट हो रही है और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके रेडी हुई है। हर पीस कट करने के बाद आप चाहें तो नाइफ़ को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि कट करने में थोड़ा सा मिठाई के पीसेस इस पर लग जाते हैं, तो ये स्मूथ शेप में कट नहीं होती हैं। फिर जब भी आप नेक्स्ट पीस कट करें, इसको नाइफ़ को एक बार क्लीन कर लें, जिससे कि मिठाई का शेप बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। देखिए मैंने फिर से नाइफ़ क्लीन कर लिया है और मैंने नेक्स्ट पीस तब कट कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया शेप निकल के आ रहा है ना, और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप किसी भी ओकेजन पे, फेस्टिवल पे आप इसे आराम से बना के खा सकते हैं। कोकोनट बर्फी बनके रेडी है। आप इसे कोकोनट मिल्क बर्फी भी बोल सकते हैं, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो फ्रेंड्स आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।